राष्ट्रपतये द्रौपदी मुर्मू वर्यायै श्रीराम मन्दिरस्य प्राण प्रतिष्ठा समारोहस्य निमन्त्रणं राष्ट्रपतिः हर्षं प्रकटितवती। शीघ्रमेव अयोध्या गमन विषये करिष्यति निर्णयम्। लोकसभा निर्वाचनात् प्राक् भारतीय जनता पार्टी इति दलस्य बृहदभियानम्। भाजपाध्यक्षः जेपी नड्डा अद्य दिल्ल्यां करिष्यति नमो नवमतदाता अभियानस्य आरम्भ। भारते शैत्यस्य निहारस्य च प्रकोपः अनुवर्तते। ऋतु विभागेन उक्तं यत् आगामिषु केषुचित् दिवसेषु स्थितिः समाना एव भविष्यति। अशेषेऽपि देशे लोहड़ी पर्व आमान्यते। राष्ट्रपतिः उपराष्ट्रपतिः च देशे विदेशे च निवसद्भ्यः भारतीय जनेभ्यः लोहड़ी मकर संक्रांति माघ बिहु इत्येतेषां पर्वणां शुभकामनाः प्रदत्तवन्तौ। देशे अद्य राष्ट्रपति पदाय निर्वाचनाय मतदानं भवेत्। अमेरिकां चीनं च समेत्य अनेकेषां देशानां दृष्टिः वर्तते। अपि च क्रीडावार्तासु इंग्लैण्डं विरुध्य पञ्चस्पर्धानां निकषश्रृङ्खलायाः प्रथम द्वितीयाभ्यां स्पर्धाभ्यां भारतीय दलस्य घोषणा। रोहित शर्मणः नेतृत्वे युवक्रीडकः ध्रुव जुरेलः अपि क्रीडयेत्। अभिवादये अहमस्मि रचा। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः विस्तरेण। विश्व हिन्दू परिषदः राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसलः राष्ट्रपति पदासीनया द्रौपदी मुर्मू इत्यनया सह मिलित्वा ताम् अयोध्यायाम् आयोजयिष्यमाणे राम मन्दिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रमे सम्मिलितुम् आमन्त्रितवान्। राष्ट्रपतिः हर्षं प्रकटितवती। शीघ्रमेव अयोध्या गमन विषये निर्णयं करिष्यति। लोकसभा निर्वाचनानि आलक्ष्य भाजपा दलेन अद्य नमो मतदाता अभियानम् आरप्स्यते। भाजपा दलाध्यक्षः जेपी नड्डाः सम्मेलनस्य शुभारम्भं करिष्यति। भाजपा दलाध्यक्षः नड्डाः भाजपा मुख्यालये प्रथमवारं द्विशताधिकान् मतदातॄन् सम्बोधयिष्यति। भाजपा दलं देशे पञ्चसहस्राधिकान् नमो मतदातृ कार्यक्रमान् आयोजयिष्यति। प्रधानमंत्री मोदी एतस्मिन् कार्यक्रमे जनवरी मासस्य चतुर्विंशति दिनांके आभासीय माध्यमेन पञ्चलक्ष संख्याकैः प्रथमवारं मतदानं कुर्वद्भिः मतदातृभिः सह उपस्थितः भविष्यति। जनवरी मासस्य चतुर्विंशति दिनांके भाजपा युवमोर्चा इत्यनेन देशस्य प्रत्येकस्मिन् विधानसभाक्षेत्रे एकं मतदातृभियानम् आयोजयिष्यति। जर्मनी देशस्य कैसेंड्रा स्पिटमैनः भगवतः श्रीरामस्य भजनं गीतवती। प्रधानमंत्री सामाजिकपटले एक्स इत्यत्र भजनं स्थापितवान्। उक्तवान् च यत् अस्य चर्चा तेन स्वीय मन की बात इति कार्यक्रमे अपि कृता आसीत्। ये भजन आप सभी के लिए है। आओ सब साथ में गाते हैं। राम आएंगे तो आंगना सजाऊंगी, चला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम प्रधानमंत्री ह्यः नासिके रामकुण्डस्थले पूजार्चनां कृतवान् तथा च प्रसिद्ध कालाराम मन्दिरस्य दर्शनमपि कृतवान्। अयोध्यायां श्रीरामस्य बालस्वरूपस्य प्राणप्रतिष्ठानुष्ठानात् दशदिनात् प्राक् प्रधानमन्त्रिणः नासिकयात्रायाः विशेष महत्त्वमस्ति, यतोहि श्रीरामः स्वीयजीवनस्य महत्त्वपूर्णसमयं तत्र यापितवान्।
प्रधानमंत्री प्राणप्रतिष्ठात् प्राक् ह्यः एकादश दिवसानुष्ठानस्य आरम्भं कृतवान्। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः गुजरातस्य गांधीनगरे वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक सम्मेलनस्य समापन सत्रं संबोधितवान्। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक सम्मेलनस्य दशमं संस्करणं जनवरी मासस्य दशदिनांके आरब्धमासीत्। सम्मेलने गेटवे टू द फ्यूचर इति भविष्याय द्वारं नामाख्ये विषये सफलतायाः शिखर सम्मेलनरूपत्वेन वाइब्रेंट गुजरातस्य विंशति वर्षाणि इत्याचरितं गतम्। वाइब्रेंट गुजरात समिट ने आइडिया कार्यक्रमं संबोधयन् अमित शाह उक्तवान् यत् अस्य सम्मेलनस्य सक्रिय दृष्टिकोणः अन्य राज्येभ्यः कृते एकम् उदाहरणं स्थापयति येन सम्पूर्ण देशस्य अर्थव्यवस्था लाभान्विता अभवत्। तेनोक्तं यत् वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक सम्मेलनेन देशस्य आर्थिक विकासे महत्वपूर्ण योगदानं प्रदत्तम् अस्ति। पिछले 9 साल के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक स्थिरता, भ्रष्टाचार मुक्त शासन, जन कल्याण की नीतियां, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली एजेंडा और शांतिपूर्ण माहौल देश के अंदर दिया है, जिसने देश की इकोनॉमी को गति देने का काम किया है। 25 से ज्यादा नीतियां हमारे अर्थतंत्र को गति देने के लिए बनाई गई। एक जमाने में ऐसा कहा जाता था 2004 से 2014 के बीच में कि गवर्नमेंट को पॉलिसी पैरालिसिस हो गया है। इसकी जगह 10 साल के कालखंड में 25 पॉलिसीज अलग अलग प्रकार की बनाकर आज देश को आर्थिक विकास के रास्ते पर ले जाने का काम मोदी जी ने किया है। उत्तर भारते शैत्यस्य निहारस्य च प्रकोपः अनुवर्तते। ऋतुविभागेन उक्तं यत् आगामिषु केषुचित् दिवसेषु स्थितिः समाना एव भविष्यति। अशेषेपि देशे लोहड़ी पर्व आमान्यते। राष्ट्रपतिः उपराष्ट्रपतिः च देशे विदेशे च निवसद्भ्यः भारतीय जनेभ्यः लोहड़ी मकर संक्रांति माघ बीहु इत्येतेषां पर्वणां शुभकामनाः प्रदत्तवन्तौ। ताइवान देशे अद्य राष्ट्रपति पदाय निर्वाचनाय मतदानं भवेत्। मतदानं प्रातः 8 वादनात् आरभ्य सायं 4 वादनं यावत् प्रचलिष्यति। ताइवान देशे प्रमुखरूपेण द्वयोः दलयोः मध्ये द्वन्द्वः अस्ति। प्रथमं डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी इति दलं, द्वितीयं च कुओमिन्टोंग दलं। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव दलं देशे गत 8 वर्षेभ्यः सत्तायाम् अस्ति। एतदतिरिक्तम् एकम् अन्यदलं ताइवान पीपल पार्टी नामाख्यां दलमस्ति। वर्तमानः राष्ट्रपतिः साई इंगवेनः कार्यकालद्वयं पूरितवान्। चीनदेशेन ताइवान देशस्य मतदाताराः समाहूताः यत् ते शान्तियुद्धयोः मिथः एकस्य चयनं कुर्युः इति। इंग्लैंडं विरुध्य पञ्चस्पर्धानां निकषश्रृंखलायाः प्रथमद्वितीयाभ्यां स्पर्धायां भारतीय दलस्य घोषणा। रोहित शर्मणः नेतृत्वे युवक्रीडकः ध्रुव जुरेलः अपि क्रीडयेत्। प्रिय वीक्षकाः, वार्तावली कार्यक्रमस्य अभिनवांकस्य प्रसारणम् अद्य शनिवासरे सायं 6:30 भविष्यति। अस्य च पुनः प्रसारणम् रविवासरे प्रातः 7:30 भविष्यति। सर्वं धर्मसारमिदं जगत् लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। रामो विग्रहवान धर्म हमारी संस्कृति के सर्वोच्चतम प्रतिमान है, जहाँ औदार्यशील संयम सदाचार मर्यादा नैतिकता उन सब के उच्चतम कोई प्रतिमान है तो प्रभु श्री राम है। गणित गुण गण भूषित राम हवनीत नय कामित राम।
सनातन की परिभाषा क्या है हमारे समाज के लिए? सनातन नित्य और शाश्वत है, समीचीन और हर पल प्रासंगिक है, वो माथे की बिंदी है, मांग का सिंदूर है, हरे कांच की चूड़ियां हैं, सप्तपति है। सॉफ्ट हिंदुत्व क्या है आपके हिसाब से? सॉफ्ट हिंदू के नाम पर तथाकथित सेकुलर वादी लोग घूम रहे हैं, जो अपने आप को जानते ही नहीं, जिन्होंने अपने पूर्वजों को त्याग दिया। मैं कहता हूँ अगर कट्टर हिंदू बनेगा तो वो सबके हितों की रक्षा करेगा, किसी को उनकी भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाएगा। मैं तो कह रहा हूँ कट्टर होना चाहिए हिंदू को। अब ये भी सवाल हो रहा है कि मंदिर की जरूरत क्या है? आत्मा को भूख लगती है तो मंदिर जाया जाता है। 11 दिन तक का एतद्वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनव वार्ता भी सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मंगलम्।